सच साहस सरोकार। आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, अटल पुल का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी से मिले येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तेज हुई चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, स्वयं भूपेश बघेल ने दिया घर आने का न्योता। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने 3 बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं सीएम ने गाजियाबाद में बन रहे पीएम आवास का भी निरीक्षण किया और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 700 BEW मकानों का निर्माण चल रहा है, जो की आने वाले 2023 में 30 जून को पूरा होना है। देवरिया जिला अस्पताल में हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल के अंदर युवक ने एक बुजुर्ग महिला को कंधे पर लिए हुए स्ट्रेचर के लिए फरियाद लगाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तरफ से स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर के अभाव में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें दिखाए गए वीडियो में जो मरीज के द्वारा दिखाया गया है कि वीडियो नहीं मिल रहा, वहाँ पर जो जो स्ट्रेचर खाली उनके वीडियो में भी दिख रहे हैं और उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि स्ट्रेचर यहाँ खाली पड़े हैं। उनको जब वो आए, उनका वह मरीज वार्ड में भर्ती था, उसको डेथ सर्टिफिकेट देके उनको सवाहन दिला दिया गया था। उसके बाद इमरजेंसी में रिकन्फर्मेशन के लिए आए, जैसा वहाँ तैनात कर्मचारियों ने बताया। उनसे डॉक्यूमेंट मांगने पर कि कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर उपलब्ध करा दें, जिसके आधार पर वो दिया जा सके। अस्पताल में हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल के अंदर युवक ने एक बुजुर्ग महिला को कंधे पर लिए स्ट्रेचर के लिए फरियाद लगाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के तरफ से स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर के अभाव में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक बुजुर्ग महिला को अपने कंधे पर ले जा अस्पताल ले जा रहा है। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर का अभाव नहीं मिल पाया है। स्ट्रेचर के अभाव में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। और इसी खबर पे हमारे साथ रवि रावत जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, स्ट्रेचर के अभाव में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, अस्पताल का इतना दयनीय स्थिति आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे?
दें कि यह देवरिया जिला इमरजेंसी का मामला है, जहां एक युवक अपनी बुजुर्ग माँ को इंस्पेक्टर के अभाव में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करके गुहार लगा रहा है कि और जिला अस्पताल की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों पे जांच गिर रही है, वही जिला अस्पताल में दयनीय स्थिति देखने को मिल रहा है, जहाँ एक युवक स्ट्रक्चर के अभाव में दौड़ता हुआ बुजुर्ग माँ को लेकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और जहाँ डॉक्टरों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि बुजुर्ग महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी। हमने युवक से कागजात मांगा और कागजात नहीं मिलने पर स्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध थी। जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगी इस पर? बता दें कि अभी सीएमओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाले तस्वीर सामने आई है कि जहां एक युवक अपनी बुजुर्ग माँ को कंधे पे लेकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी दयनीय अस्पताल की बनी हुई नजर आ रही है। जी बहुत क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर कोई एक्शन होगा? जी अभी बता दें कि अभी तो जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ स्ट्रक्चर को लेकर काफी हमको जहां तक अनुमान है कि सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं, हो सकता है कुछ कर्मचारियों पे गाज भी गिर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औरैया जिले में यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है, जाने आसपास के गांव में भी अब पानी घुसने लगा है। वहीं गांव के लोग एक बार फिर डर के साथ जीने को मजबूर हैं। पानी भरने की वजह से अजीमतल के सिकरोड़ी गोहानी कला गांव का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिस पर प्रशासन अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही प्रशासन की तरफ से गाँव वालों को सतर्क रहने को भी कहा गया है। हमारी 9 बाढ़ चौकियां इस समय सक्रिय हैं, जिसके तहत तहसील सदर के 4 और तहसील अजीत मल के 11, कुल एक तरह से 15 राजस्व ग्राम में राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। सभी गांव में जो महरून हो गए हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, वहां पे नावें लगा दी गई हैं। NDRF की टीम सिकरोड़ी में कैंप कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनको और जगहों पर भी भेजा जाएगा। मोमबत्ती, खाने का साबुन, आटा, चावल, अरहर की दाल, नमक, हल्दी। कोटा बराज से छोड़े गए कई टन पानी से को लेकर आज यमुना नदी का जल स्तर काफ़ी ऊपर आ गया है। वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों लोगों ने प्लान करके एक उछले स्तर पर आए हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर झोपड़ी डालकर यहाँ पर रहने को मजबूर है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा इन पर पूरी मदद की जा रही है। इनकी कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैं जो अपनी झोपड़ी डाले यहाँ पर रहने आई में कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात भी कराना चाहूँगा। इस तरीके से ये बच्चे बैठे हुए देख सकते हो तस्वीरों में कि बच्चे अपने खेल रहे, कूद रहे। यहाँ भैया घास खोद रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? ईश्वर दयाल। ईश्वर जी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरोड़ी। सिकरोड़ी यहाँ किस लिए आए, क्या कारण? यमुना बढ़ी है, जा लिए आए। यमुना कितनी बढ़ गई है? बढ़ाई रही है 4-5 किलोमीटर। जिला प्रशासन द्वारा क्या मदद की जा रही है आपकी? अभी तक क्या क्या सामान दिया गया? समय का भाई मिल रही है और खाना मिल रहा है। दवाई मिल रही है। पशुओं के लिए भी कुछ इंतजाम किए गए? प्रशासन में डॉक्टर की टीमें लगाई गई हैं। दवाई मिली हुई है, सब मिल रहा है ना। आइए, हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ किस तरीके उनको जिला प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, यमुना का जल स्तर बढ़ गया, आप लोग यहाँ उसी स्तर पर बसे हुए, आकर आपको किस तरीके परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सामना का सब यहाँ पे टेंट लगाया, टेंट भी दिए उन्होंने, राशन पानी दिया, लंच पैकेट मिले और पशुओं का इलाज, आदमियों का इलाज, ये सब सुविधा हुई है। यमुना का जल स्तर कितना बड़ा हुआ है? यमुना का जल साहब जो पहले आई थी उतनी हो चुकी है। अभी फिलहाल में क्या आप लोग यहाँ घर छोड़ के आए हो, वहाँ पर कितने लोग अभी गांव बसे हुए हैं? गांव में साहब कम से कम जब मान के चलो जो भाई छत पे सामान रख लिया है उनको, मतलब देखने के लिए कीमती सामान, उन्हें देखने के लिए 2-3 लोग है वहाँ एक घर से। ऐसे कितने घर होंगे जिसमें लोग है वहाँ पर? ऐसे का सभी घर है, मान ले आधे यहाँ है आधे वहाँ है। पशु लेके यहाँ आए गए तो पशुओं का वहाँ निकलने का, छेरी चौपे का कोई इंतजाम नहीं, वो तो छत्तन पे बैठे हैं,
आ गई, तो उनका तो बैठने का इंतजाम है लेकिन पशुओं का है नहीं कोई वहाँ। वहीं हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर माता जी आप यहाँ पर आई हूँ, यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्या मजबूरी ऐसी है कि यहाँ का जमुना भारी फेल के खूब भारी है, घर में भारी है, मकान में भारी है, कहाँ लेना आपके चौपियों पे कहाँ है सब जहेंगे। प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम दिए जा रहे हैं? हाँ मिलो खाना मिलो और क्या मिला लहिया फैया जी मिल गई बोरिन में। डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर आए? हाँ डॉक्टर। दवाइयाँ मिल रही है? हाँ, पशुओं के लिए भी डॉक्टर बताए गए हैं? मिले मिले। लखीमपुर खीरी के मितौली में जवाहर नवोदय विद्यालय में संकुल स्तरीय खेल के कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 11 जवाहर नवोदय विद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता से चयनित बच्चे क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का एसडीएम विनीत उपाध्याय फीता काट कर शुभारम्भ किया। यूपी के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना, बेतवा और चंबल नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे कई क्षेत्रों में पानी घुस गया है। नदी के पास बनी बस्तियां डूबने से लोगों को पलायन तक करना पड़ा है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दौरा कर रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रहे यमुना के पानी में 40 से ज्यादा गाँव घिर चुके हैं। निचले इलाकों के गाँव को खाली कराने का भी निर्देश दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदियां अपने उफान पर बनी हुई हैं। प्रयागराज है, कानपुर, वाराणसी में किस तरीके से नदियां अपने उफान पर हैं और लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दे रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी लगातार उफान पर हैं। दोनों नदियों के खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ मुसीबत बनती है और कई गाँव को संपर्क भी टूट गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित तमाम लोगों सुरक्षित जगह पर किए जा रहे हैं। बहुत दिक्कत से रह रहे हैं और स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि हर जगह पानी ही पानी है, इसलिए हम स्कूल जाना अब कल से बंद कर रहे हैं। क्या नाम? बहुत दिक्कत से रह रहे हैं, अब देख ही रहे हैं पानी पूरा बोरा, आज चारों कोन से पानी भरा है तो मुसीबत झेल रहे हैं पानी बोरा के माध्यम। तो यहाँ आप लोग को अभी तक सरकारी कोई सुविधा मिली है? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अब देख रहे हैं कोई अब मिले तो आगे कुछ काम हो। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में आज गंगा और यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। अगर ये तस्वीरों की बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र की, जो कि ये बड़ा कंजासा गाँव के नाम से जाना जाता है। और ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से पूरे गांव के अंदर पानी भर चुका है। लोग अपने घरों के बाहर पानी कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में कई और गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब हालांकि शहरों की बात की जाए तो शहर में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियाँ बनाई हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से इन ग्रामीणों को नज़रअंदाज करके बैठा हुआ है, क्योंकि ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह के प्रशासनिक अमले ने अभी तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। अब जिस तरीके से लगातार यमुना नदी का पानी बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, यहाँ पर ग्रामीण भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो यमुना नदी का पानी है उसके बढ़ने से इनके घरों में किस तरह की परेशानी है। चाचा, यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग के घरों में पानी भरा है तो किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों के या जीवन यापन कर रहे हैं? अब जीवन यापन का अपने अपने घर में हैं बैठा सर, और कोई अभाव हम लोगों के कोनो सुनाई भाई नहीं। तो क्या अभी तक यहाँ पे कोई सरकारी अमला आया आप लोगों किसी तरह की कोई मदद या बाढ़ चौकी या किसी तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था? अभी कोई नहीं हुई है, कल SDM साहब आए थे मगर उन्होंने देख के चले गए। तो जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग यहाँ पे चूंकि जीव जंतु भी हैं, बच्चे भी हैं, आप लोग का जीवन यापन कैसे हो रहा है? खेती बाड़ी भी क्या हालात है यहाँ पे? खेती बाड़ी तो कुल ख़राब हो चुकी है, नष्ट हो चुका है और कुछ नहीं, अब जो कुछ होना था सब हो गया।
बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज किए हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार गंगा और यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, ऐसे में जो ग्रामीणों के पास समस्या है वो निश्चित रूप से बहुत ही परेशान करने वाली है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। औरैया में ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए प्रेस नोट जारी किया। बता दें कि व्यापारी नेता संदीप पोरवाल ने पत्नी मीरा और बेटे शिवम को गोली से हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली थी। पुलिस की जांच पड़ताल में किसी भी बाहर के आदमी के आने का कोई सुराग नहीं मिला। संभल के असमोली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि चोरों ने 3 घरों से लगभग 2.5 लाख का सोना चांदी और 50,000 का कैश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। जो आपके यहाँ पे घटना घटी है रात, जो चोरी हुई है, तो ये किस समय हुई है, पता है इसका आपको? कुछ नहीं पता, सुबह पता चला। सुबह किस टाइम? लगभग 5 बजे करीब। 5 बजे के करीब। तो आपने किसी को सूचना दी इसके? अभी नहीं, अभी थोड़ी कुछ पहले 16 नंबर को कॉल की थी। अच्छा, तो भी देख के गए। कुछ कहा उन्होंने आपसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, देख के चले। तो आपके यहाँ पे जो चोरी हुई है इसमें क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोने चांदी के सामान गायब हुआ। और कुछ कैश वगैरह? कैश भी है। कितना कैश का? 50,000 का हार है। बिजनौर में एक घर में घुसे विशालकाय अजगर को देखकर घर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने विशालकाय अजगर को घंटों तक रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद परिवार वाले और ग्रामीणों ने राहत भरी सांस ली। वाराणसी के लंका थाने में रविदास घाट पर दोस्त के साथ नहाए गए एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ के बहुत प्रयासों के बाद भी शव अभी तक नहीं मिल पाया है। सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने 3 बड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं सीएम ने गाजियाबाद में बन रहे पीएम आवास का भी निरीक्षण किया और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 700 BEW मकानों का निर्माण चल रहा है, जो कि आने वाले 2023 में 30 जून को पूरा होना है। गाजियाबाद के 41 PAC वाहिनी पर खड़े देखिए, यहाँ से योगी आदित्यनाथ का काफिला लगातार PAC की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा काफिला जो है यहाँ पर लगातार योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार गाजियाबाद में कई जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया है। अब इन योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 41 PAC वाहिनी में निरीक्षण करना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से काफिला बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ का पूरा काफिला है यहाँ पर। सभी सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट है, सभी लोगों को पहले से ही मुस्तैद कर दिया गया था। काफिला आप देख सकते हैं किस भारी मात्रा में यहाँ से काफिला योगी आदित्यनाथ का जा रहा है। ये जैमर गाड़ी लगी हुई है साथ में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार वो जा रहे हैं। 41 PAC वाहिनी के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी यहाँ पर निरीक्षण करना है। हालांकि यहाँ पर कुछ इमारत बनाई गई है PAC वाहिनी में, जो भवन बनाए गए उन भवनों का आज निरीक्षण होगा। लगातार सभी जगह पर गाजियाबाद में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप काफिला देख सकते हैं, पूरा काफिला है योगी आदित्यनाथ का, जो कि 41 PAC वाहिनी पहुंचा है। यहां पर निरीक्षण के बाद सीधे ही वो एयरपोर्ट के लिए जाएंगे, हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे रवाना होकर लगातार आज पूरे दिन उनके निरीक्षण है। लगातार वो बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे। बुलंदशहर में निरीक्षण करने के बाद सीधे वो यहां फिर एक आराम करेंगे, विश्राम करेंगे गाजियाबाद पहुंचने के बाद। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी के लिए। फिलहाल
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।